के बदले नौकरी के मामले में लालू परिवार की पेशी। दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट में हुई लालू परिवार की पेशी। लालू यादव परिवार को कोर्ट से राहत मिली है। मामले में लालू, राबड़ी और मीसा भारती को जमानत मिली है। 50,000 के निजी मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दी। बीमारी के चलते लालू यादव को जमानत मिली है। सीबीआई ने जमानत का विरोध नहीं किया। अब 29 मार्च को मामले पर अगली सुनवाई होगी। तो 29 मार्च को अगली सुनवाई होनी है जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार की पेशी हुई। तो दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई लालू परिवार की पेशी और लालू यादव परिवार को कोर्ट से राहत मिली है। मामले में लालू, राबड़ी और मीसा भारती को जमानत मिल गई। 50,000 के निजी मुचलके पर कोर्ट ने यह जमानत दी है। बीमारी के चलते लालू यादव को यह जमानत मिली है। और क्योंकि जब लालू यादव पहुंचे कोर्ट में पेशी के लिए, उस दौरान भी वो व्हील चेयर पर थे क्योंकि तबीयत उनकी सही नहीं बताई जा रही है। और इससे पहले वो विदेश भी गए थे, ऑपरेशन भी उनका हुआ था, बेटी भी उनके साथ में मौजूद थी। और अब क्योंकि एक बार फिर से लौट आए हैं वो, लेकिन तबीयत उनकी नासाज है, ऐसे में जमानत उनको दी गई है। सीबीआई ने जमानत का विरोध भी नहीं किया। अब 29 मार्च को अगली सुनवाई होगी, लेकिन तब तक के लिए परिवार के लिए राहत है। परिवार को जमानत मिल गई है। 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र है। ये पूरा मामला भी आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अपने कार्यकाल के दौरान रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के आरोप लगे। सीबीआई ने इस मामले में छापेमारी भी की थी और इसके बाद 23 सितंबर 2021 को मामला दर्ज किया गया था। 2021 में ये मामला दर्ज हुआ, 2022 को प्राथमिकी में बदला गया था और सीबीआई ने अक्टूबर 2022 में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और इसके अलावा 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। आरोप उन पर लगा था रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप। अब इस पर सीबीआई ने हालांकि अब जब जमानत मिल गई है तो उसका विरोध नहीं किया है क्योंकि लालू यादव की जो तबीयत है वो नासाज बताई जा रही है और इसके चलते परिवार को भी जमानत मिल गई है। दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट में लालू परिवार की पेशी हुई क्योंकि राबड़ी देवी का नाम भी इसमें था और इसके अलावा 14 लोग थे उनका भी नाम इस पूरे मामले में था जिसको लेकर पेशी हुई और अब परिवार को कोर्ट से राहत मिल गई। मामले में लालू, राबड़ी और मीसा भारती को जमानत मिली है क्योंकि मीसा भारती का भी इसमें नाम था, लालू प्रसाद यादव की बेटी का नाम इसमें था और उनको अब पूरे परिवार को ही ये राहत है। 50,000 के निजी मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दी है। बीमारी के चलते लालू यादव को ये जमानत मिली है। लालू यादव जब कोर्ट पहुंचे उस दौरान भी वो व्हील चेयर पर मौजूद थे और व्हील चेयर पर ही आए थे। तबीयत उनकी सही नहीं बताई जा रही थी। अब उनकी बेटी और पत्नी उनके साथ में मौजूद थी, हालांकि वो इस दौरान पूरे समय उनके साथ ही मौजूद रहीं। और उनकी बेटी जो जब बाहर विदेश गए थे, ऑपरेशन हुआ था, उस दौरान भी मौजूद रही थी और बेटी उनकी सेवा भी कर रही थी। और अब जब कोर्ट में पेशी हुई, हालांकि मीसा भारती को भी आना था और जब वो पहुंची भी, राबड़ी देवी भी उनके साथ में मौजूद रहीं, लालू यादव को लेकर वो कोर्ट पहुंचे। अब पूरे परिवार को यानी मीसा भारती, राबड़ी देवी और लालू यादव तीनों को राहत मिली है और 50,000 के निजी मुचलके पर कोर्ट ने उनको जमानत दी है। हालांकि अब अगली सुनवाई होगी और 29 मार्च का समय है। अगली डेट तारीख कोर्ट ने 29 मार्च की रखी है और अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। हालांकि जब ये जमानत दी गई है तो सीबीआई की तरफ से इस जमानत का विरोध नहीं किया गया है। सीबीआई के जो वकील हैं या उनकी तरफ से इसको लेकर कुछ कहा नहीं गया, लेकिन 29 मार्च को जब अब अगली सुनवाई होगी तब ज़रूर तैयारी के साथ और दोनों पक्ष आएंगे। हालांकि अभी जमानत पर परिवार है,
जमानत मिली है, कोर्ट से राहत लालू यादव परिवार को मिली है। तो 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र है और इसके अलावा लालू यादव, राबड़ी देवी का भी इसमें नाम है। कार्यकाल के दौरान रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने का ये पूरा मामला था, जिसमें प्राथमिकी दर्ज की गई 23 सितंबर 2021 को ये पूरा मामला दर्ज हुआ। और सुमित हमारे साथ सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, क्या कुछ जानकारी है, कोर्ट में क्या कुछ रहा? देखिए, लालू एंड फैमिली को राव जोगिनी कोर्ट से राहत मिली है, उनको जमानत कोर्ट ने दे दी है। लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उसकी बेटी पीसा भारती को 50,000 के निजी मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि उसने चार्जशीट मामले में दाखिल कर दिया है, जांच कंप्लीट हो चुकी है, लिहाजा वो जमानत का विरोध नहीं करेगी। जिसके बाद कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। 29 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। मैं आपको बता दूं कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था और 14 आरोपियों को सम्मन जारी किया था, क्योंकि चार्जशीट जो है वो 16 लोगों के खिलाफ दाखिल है, जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब 14 लोग हैं इस मामले में आरोपी, जिनके खिलाफ अब आरोप तय करने पर जो सुनवाई है वो अब 29 मार्च को होगी, क्योंकि चार्जशीट जो है वो पिछली सुनवाई में ही दाखिल हो गई थी और उस पर बकायदा कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया था और सभी आरोपियों को तलब किया था। और आज उसी आदेश की तामील करने के लिए लालू एंड फैमिली दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे, जहां सुनवाई के बाद सीबीआई ने जमानत का विरोध नहीं किया और उसके बाद जज गीतांजलि गोयल ने 50,000 के नीचे मुचलके पर लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटी पीसा भारती को जमानत दे दी है। तो एक बड़ी राहत है। इस वक्त मैं राव जोगिनी कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। बिहार के कई इलाकों से आरजेडी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, कुर्सियां बना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो जानबूझकर फंसा रही है, सीबीआई ने जो भी आरोप लगाया है वो बेबुनियाद है। तो जमानत मिलने के बाद आरजेडी कार्यकर्ता में खुशी की लहर है, मिठाइयां यहाँ बांटी जा रही हैं राहुल गांधी कोर्ट के बाहर, और उनका कहना है कि इस कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होगा और लालू प्रसाद यादव जो है इस केस में बरी होंगे। तो यहाँ आरजेडी कार्यकर्ताओं का विरोध यहाँ था कि केंद्र सरकार जानबूझकर फंसा रही है लालू प्रसाद यादव को। हालांकि जो सुनवाई हुई है इस पूरे केस में सीबीआई ने जमानत का विरोध नहीं किया, उसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी के लिए।